बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे देश के सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले हैं, जबकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे शशि थरूर को 1,072 वोट मिले हैं। वहीं 416 वोट अमान्य हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 17 अक्टूबर को हुई वोटिंग में कुल 9,385 डेलीगेट्स ने वोट डाले थे। कांग्रेस को 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष मिला है। इससे पहले सीताराम केसरी गैर गांधी अध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के आज नतीजे आ गए हैं। नामांकन के एक दिन पहले मैदान में उतरे मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को अध्यक्ष पद के चुनाव में हरा दिया है। पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे थे, लेकिन राजस्थान में हुए सियासी ड्रामे के बाद उन्होंने सोनिया गांधी से मिलने के बाद अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इसके बाद खड़गे ने चुनाव लड़ने का फैसला किया था।